नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। कई प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इनके असर को एक सीमा तक कम जरूर किया जा सकता है, जिससे कि जान माल का कम से कम नुकसान हो। भारत में बाढ़, सूखा, भूकंप, तूफान जैसी आपदाओं से निपटने का तंत्र विकसित किया गया है एनडीएमए, जिसका प्रमुख हिस्सा है। हाल में दिल्ली एनसीआर में आए भूकंपों के झटकों ने जहां एक तरफ लोगों में डर पैदा किया, इनके असर को कम करने के तंत्र ने भरोसा भी जगाया है। आपदा का सामना कार्यक्रम की कड़ी में आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में हाल में आए भूकंप के झटकों को भूवैज्ञानिक क्या किसी तरह का संकेत मानते हैं, और दिल्ली और एनसीआर में इस आपदा से निपटने की क्या है तैयारियां। हम हर हफ्ते आप तक भारत में किस तरह से आपदा से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर आएंगे, उस तैयारी को आपके सामने रखेंगे। आइए भूकंप पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर भूकंप आते क्यों हैं। इसे समझने के लिए हमें यह भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पृथ्वी की बनावट क्या है, और पृथ्वी की बनावट और उसके नीचे की जो हलचल है वो एक बड़े पैमाने पर किस तरह से जिम्मेदार होती है भूकंप के झटकों को। पृथ्वी को हम चार प्रमुख परतों में देख सकते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। मेंटल और क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा हमारे ग्रह की सबसे ऊपरी पतली परत बनता है, कई छोटी छोटी परतों से बना होता है। ये परतें एक दूसरे के ऊपर घूमती और टकराती रहती हैं। इन घूमती परतों को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, और टेक्टोनिक प्लेट ही वो कारण है जिनके एक तरह से मूवमेंट से हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ये परतें आप इसमें भी देख रहे हैं, ये परतें एक दूसरे के ऊपर घूमती और टकराती रहती हैं। इन घूमती परतों को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, यही वो टेक्टोनिक प्लेट हैं जिनके नीचे की हलचल हमें भूकंप के झटके महसूस कराती है। टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों को प्लेट बाउंड्री कहते हैं, और ये प्लेट बाउंड्री जो होती है, ये प्लेट कई फॉल्ट से मिलकर बनी होती हैं। दुनिया भर में आने वाले ज्यादातर भूकंपों का कारण यही फॉल्ट्स होते हैं, और भारत को भूकंप के जोखिम के हिसाब से चार जोन में बांटा गया है। टेक्टोनिक प्लेट के जुड़ने वाली जगह को फॉल्ट लाइन कहा जाता है। आप इस प्लेट में देख रहे हैं बड़े भूकंप और फॉल्ट लाइन के किनारे आते हैं। ये जो किनारे जब एक दूसरे से टकराते हैं, प्लेट्स के किनारे असमान और ऊबड़ खाबड़ होते हैं। प्लेट्स जहां जुड़ी होती हैं वहां वहां टकराव ज्यादा होता है, और यही फॉल्ट लाइन कहलाती हैं। जब ये प्लेट ज्यादा घूम जाती हैं तो इनके किनारे फॉल्ट से अलग हो जाते हैं। इनका अलग होना भूकंप की वजह बनता है। दिल्ली के आसपास सोना, मथुरा और इसके अलावा तकरीबन 6 से 7 फॉल्ट लाइन्स कहे जा सकते हैं। सोना और मथुरा के अलावा भी दिल्ली मुरादाबाद, महेंद्रगढ़, देहरादून उपसतही फॉल्ट लाइन मौजूद है जो एक तरह से जिम्मेदार होती हैं, और यही वो फॉल्ट लाइन्स है जिस पर लगातार एक अध्ययन भी चल रहा है। आइए एक चीज और समझते हैं, भारत को जोखिम भूकंप के जोखिम के हिसाब से चार जोन में बांटा गया है। इन चार जोन को समझने के लिए, चार हिस्सों में बटा है भारत का भूकंप जोन। ये जोन 5 को आप देखेंगे इस नक्शे में, आप उन इलाकों को देख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत 5th जोन में आता है, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से इस जोन में आते हैं। ये जो लाल रंग से ब्लिंक कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये वही एक तरह से राज्य हैं जो जोन 5 में शामिल है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण और उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आप नीचे देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जोन 5 के इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। और आइए एक नजर डालते हैं जोन 4 में वो कौन से शहर आते हैं, वो कौन से राज्य हैं। जम्मू कश्मीर की और हिमाचल प्रदेश के बाकी बचे हिस्से जोन 4 में आते हैं। दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, सिंधु गंगा थाला, ये आप जो नारंगी रंग से देख रहे हैं, ये जोन 4 को दर्शा रहा है इस नक्शे पे। बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से, यानी कि किसी भी राज्य के कुछ हिस्से जोन 5 में हैं, कुछ हिस्से जोन 4 में हैं। पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जोन 4 में पड़ता है। राजस्थान भी जोन 4 में ही शामिल है।
और ये अब जो आप देख रहे हैं पीले रंग से जो इलाके हैं ये जोन तीन के इलाके हैं, और जोन तीन में केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं जोन तीन में। और जोन दो है भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है जोन दो। ये जो हरे हिस्से में जो इलाका ब्लिंक कर रहा है ये आप देख सकते हैं, ये वो राज्य हैं सबसे कम तबाही के क्षेत्र की श्रेणी में भी इसे रखा गया है। देश के बचे हिस्से इस क्षेत्र में आते हैं, यानी कि किसी भी राज्य का आकलन हम सिर्फ किसी एक जोन से नहीं कर सकते, एक राज्य के कई हिस्से कई अलग अलग जोन में शामिल हैं। अब हम इसका भी अध्ययन करेंगे, खासकर जब ब्रेक के बाद हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़ेंगे वो भूवैज्ञानिक हैं, साथ ही साथ किस तरह से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पे काम हो रहा है देश में उन इलाकों में जो जोन पाँच और जोन चार के हैं, यानी कि दिल्ली NCR के इलाकों में भी किसी बड़े भूकंप से तैयारी क्या है, किस तरह से निपटा जाएगा, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। मुंबई, एक व्यक्ति की बारिश में फंसी गाड़ी, दम घुटने से हुई मौत। बारिश के समय सड़क पर भरे पानी में न जाएं। आपकी गाड़ी पानी के नीचे न दिखने वाले गड्ढों में फंस सकती है। गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी खराब हो सकता है। गाड़ी के खिड़की दरवाजे जाम हो सकते हैं और दम घुटने के कारण आपकी जान भी जा सकती है। बारिश के समय रेडियो और इंटरनेट से मौसम की जानकारी लेते रहें। बचाव के लिए गाड़ी में हथौड़ी आदि रखें। गाड़ी गड्ढों या बहते पानी में न ले जाएं। आधा मीटर ऊंचा पानी भी आपकी गाड़ी बहा कर ले जा सकता है। बरसात के समय बिजली के खंभे के नीचे न रुकें और टूटे हुए बिजली के तारों से सावधान रहें। तैयारी में है समझदारी। NDMA द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम आपदा के सामना में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं भूकंप के बारे में। भूकंप के झटके जो महसूस हो रहे हैं दिल्ली और NCR में, उसके क्या कारण हैं और किस तरह से उससे निपटने की भी तैयारी है भारत की, और खासकर आपदा प्रबंधन किस तरह से उस दिशा में काम कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चार विशेषज्ञ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उन सभी का आपका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर JL गौतम साहब जुड़ रहे हैं, देश में भूकंप की निगरानी करने वाली संस्था नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट और ऑपरेशन डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौतम साहब हमारे साथ हिमालय के भूविज्ञान के अध्ययन के लिए रिसर्च संस्था है उसके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कलाचंद सेन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी से। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है NDMA के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सदस्य हमारे साथ कमल किशोर जी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ प्रोफेसर रवि सिन्हा IIT मुंबई से हैं। भूकंप को ध्यान में रखते हुए इमारतों और पुलों का डिज़ाइन और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है। तो आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौतम साहब आपके पास आना चाहेंगे, ये जो छोटे छोटे झटके महसूस किए जा रहे हैं क्या किसी बड़े भूकंप की चेतावनी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है? देखिए, जहाँ तक चेतावनी का सवाल है तो इसमें ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं तो बहुत बड़ा भूकंप आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन अभी तक संभव नहीं हो पाई है सटीक रूप से विद रेस्पेक्ट टू स्पेस टाइम एंड मैग्नीट्यूड। तो लेकिन जहाँ तक इन छोटे छोटे भूकंपों का सवाल है, देखिए अभी आपने बताया महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट पे जो रोहतक के आसपास जो इवेंट आ रही है वो वहाँ पे आ रही है, और जो पीछे जो ग्रेटर नोएडा और हरियाणा बॉर्डर पे जो इवेंट आई थी वो मथुरा फॉल्ट के अलोंग आई थी, ऐसे ही कुछ दिल्ली NCT में जो आई थी वो कुछ लीनियामेंट्स भी हैं हमारे यहाँ या दिल्ली हरिद्वार रीच, तो उसके अलोंग ये इवेंट आ रही थी। जी, हमारे साथ डॉक्टर कलाचंद सेन भी जुड़े हुए हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के। डॉक्टर सेन, सबसे ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि ये जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए एक लंबे समय से क्या हिमालयन इलाके में, रीजन में और धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की वो मूवमेंट क्या कहीं ना कहीं ये भूवैज्ञानिकों को कहीं संकेत दे रही हैं कि
दिल्ली में हिमालय की ओर से बड़ा भूकंप आ सकता है? मैडम, एम आई ऑडिबल? जी या देखिए, अर्थक्वेक के बारे में बताना किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इसके सही तरह का टेक्निक अभी भी अवेलेबल नहीं है। बट ये बात सही है, जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट एंड इट्स कॉलिशन विद द यूरेशियन प्लेट इज एक्युमुलेटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इनटू द हिमालयन सेस्मिक बेल्ट। एंड वो एनर्जी आपको पीछे की तरफ भी, जहाँ पर दिल्ली एनसीआर है वहाँ पर प्रोपागेटेड है, वहाँ पर भी रॉक डिफॉर्मेशन हो रहा है, जिसके वजह से अभी हाल फिल में जो आपको एक आए हैं, दैट स्ट्रेन एनर्जी हैज बीन एक्युमुलेटेड। यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, देर आर लॉट ऑफ फॉल्ट्स, देर आर लॉट ऑफ लीनियमेंट्स, लॉट ऑफ वीक जोन्स उसके थ्रू निकल रहे हैं। इस कुछ 19 आपको एक अभी जो मार्च अप्रैल से अभी तक आए हैं, इससे हम ये नहीं कह सकते हैं जे अगले दिनों में कब एक बड़ा अर्थक्वेक आने का संभावना है कि नहीं है। लेकिन इस एनसीआर एंड दिल्ली रीजन में लॉट ऑफ स्ट्रेन एक्युमुलेटेड हुआ है, कितना एनर्जी रिलीज हुआ है अभी एग्जैक्टली हमको मालूम नहीं है, कितना एनर्जी वहाँ पर एक्युमुलेटेड है उसके कितना पोर्शन कब निकलेगा, कितना एनर्जी निकलेगा उसका बारे में भी हम लोगों का अभी कुछ टेक्निक नहीं है जिससे हम लोग बता पाऊंगा। लेकिन अगर पिछले 50-60 साल पहले का हिस्ट्री देखेंगे, तब इस 1956 में दिल्ली एनसीआर में एक 6.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था, 1960 में भी आया था, 1966 में भी आया था। सो इफ वी लुक बैक 60 ईयर्स बैक, तो इस रीजन में 6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था। अभी इस रीजन में जो 4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आए हैं और उससे कम मैग्नीट्यूड आए हैं, ये अर्थक्वेक से हमारे पास प्रिडिक्शन का कुछ टेक्निक नहीं है जिससे मैं बता पाऊंगा इस रीजन में कब कितना अमाउंट एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन इसका अगर हिस्टोरिकल अर्थक्वेक का हम ध्यान में रखेंगे, तब इस रीजन में बड़ा झटका आ सकता है। हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते, नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन कब आएगा हम कैटेगोरिकली बता नहीं सकता है, कितना अमाउंट आएगा वो भी बता नहीं सकता। हम इस आशंका से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोई बड़ा भूकंप इस इलाके में आने वाले भविष्य में आ सकता है, लेकिन जो हाल के लगातार जो हल्के झटके महसूस किए गए हैं, वो किसी तरह के संकेत या उससे किसी तरह की कोई भविष्यवाणी पूरे विश्व में किसी भी रिसर्च के तहत कोई भी इसका दावा नहीं कर सकता है। तो इस तरह की जो अफवाहें भी जो लगातार इन झटकों के बाद रही हैं, खासकर सोशल मीडिया पे, उन अफवाहों का ये सीधा सीधा जवाब है जो भूवैज्ञानिक दे रहे हैं। खासकर उनका ये कहना है कि ये किसी तरह का कोई संकेत या भविष्यवाणी के तौर पर इसको नहीं देख सकते हैं। टाइटोनिक प्लेट्स में लगातार हलचल हो रही है और उस हलचल के कुछ झटके ये जो महसूस हो रहे हैं, ये उसका एक तरह से कह सकते हैं परिणाम है। हमारे साथ कमल किशोर जी भी जुड़े हुए हैं एनडीएमए से। कमल किशोर जी, जिस तरह से अभी हमारे दोनों डॉक्टर साइंटिस्टों ने बताया है, और उनका कहना है कि आशंकाएँ हैं लेकिन तमाम इन आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, तैयारी की जा सकती है, उसके नुकसान को कम किया जा सकता है, उस लिहाज से एनडीएमए की तैयारियां क्या हैं दिल्ली एनसीआर की? जी ऋतु जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया। जैसा कि दो विशेषज्ञों ने कहा कि दिल्ली, और आपने भी बताया पहले, दिल्ली जोन 4 में है, तो यहाँ पे भूकंप आने की संभावना हमेशा रहती है। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करने की ज़रूरत है, और कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन हाई रिस्क जोन में हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। मैं दो हिस्सों में आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले तो सरकार की और एनडीएमए की क्या तैयारी है। देखिए, एनडीएमए ने काफ़ी सालों पहले एक गाइडलाइन निकाली है कि हर स्तर पे जनसाधारण से लेकर के स्थानीय सरकारों से लेकर राज्य सरकारों से लेकर के केंद्र सरकार तक हम सबको क्या करने की ज़रूरत है कि भूकंप से होने वाले नुकसान को हम कम से कम कर सकें। इसके अलावा जो हमारी एनडीआरएफ की टीमें हैं, आपको मालूम है एनडीआरएफ की 12 बटालियनें हैं, हर एक बटालियन में हमारे पास स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ है कि हम जब कोई भवन गिरे तो हम उसमें सर्च एंड रेस्क्यू कैसे करेंगे। अगर कंक्रीट का एक मकान गिरता है तो उसको हम कैसे काट करके लोगों को उसको उससे रेस्क्यू करेंगे। हमारे पास जो
कैनाइंस होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड कुत्ते होते हैं जिनको इसकी ट्रेनिंग होती है कि वो अगर कोई व्यक्ति मलबे के अंदर दबा पड़ा है तो उसको कैसे ढूंढ निकालें, तो उसकी भी एक टीम है, उसकी भी काफ़ी ट्रेनिंग की गई है। तो हमारी तैयारी पिछले कई सालों में काफ़ी बढ़ी है और हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है एक अर्थक्वेक को रिस्पॉन्ड करने की वो बहुत ज़्यादा है पहले के मुकाबले, लेकिन और भी ज़्यादा होने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम कुछ कुछ समय पर जो जिन इलाकों में भूकंप आने की संभावना है वहाँ पे हम मॉक एक्सरसाइजेस कराते हैं, टेबल टॉप एक्सरसाइज, जहाँ पे एक सिनेरियो बनाया जाता है कि अगर ऐसा भूकंप आएगा तो कहाँ कहाँ कैसी कैसी क्षति होगी और कैसे हर स्तर के प्रशासनिक स्तर के लोग उसको रिस्पॉन्ड करने में उनकी क्या भूमिका होगी, उसके लिए हमारा क्या प्लान रहेगा। क्योंकि देखिए इस चीज़ की ये जो ड्रिल है इसकी प्रैक्टिस भूकंप आएगा उसके बाद नहीं की जा सकती, ये उसके पहले करने की ज़रूरत है जी। अभी तक पिछले 10 सालों में एनडीएमए ने 500 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 570 से ज़्यादा मॉक एक्सरसाइजेज कराई हैं, इनमें से करीब आधी जो हैं वो भूकंप से रिलेटेड हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक तौर पे सरकार के स्तर पे हम कितनी भी तैयारी कर लें लेकिन जनसाधारण की इसमें भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और उसमें मैं तीन चीज़ें आपके प्रोग्राम के माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि हर घर में एक छोटा सिंपल प्लान होना चाहिए, आपका प्रिपेयरनेस प्लान होना चाहिए। आप घबराइए नहीं, आज ही अपने परिवार के साथ बैठ कर के ये निश्चित कीजिए कि अगर भूकंप आएगा तो आप क्या करेंगे। एक छोटा सा सरल उपाय हम एनडीएमए की तरफ से प्रसारित करते हैं, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। अगर आप किसी घर के अंदर हैं और धरती हिलनी शुरू होती है तो आप किसी मजबूत मेज़ के नीचे जाएं और उसको पकड़ लें, अपने आप को कवर करें, उसके नीचे रहें और जब तक धरती हिलनी बंद ना हो वहाँ से ना निकलें। तो एक तो ये कि आप अपने परिवार के स्तर पे, अपनी सोसाइटी के स्तर पे एक प्लान बनाएं। दूसरी चीज़ जो करने की ज़रूरत है, बहुत सारा जो नुकसान भूकंप से होता है वो भवनों के गिरने से ज़्यादा होता है फॉलिंग हैज़र्ड से। आपने बालकनी में गमले रखे हुए हैं जी, वाटर टैंक आपका फिक्स नहीं है, घर में बहुत भारी अलमारी लगी हुई है, भूकंप से धरती हिली और वो सारा सामान गिरा, किसी के ऊपर गिरा, उसको चोट लगी, कभी कभी इतनी ज़्यादा चोट लग सकती है कि मृत्यु हो सकती है। तो अगर आप जोन 4 या 5 में रहते हैं तो आप आज ही अपने घर का एक राउंड लगाइए और देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो झटके से गिर सकती है। अगर आपकी बालकनी के ऊपर आपने गमले लगा रखे हैं या तो उनको बांधिए या उनको नीचे उतार के रखिए। आपकी अलमारियाँ अगर फ्री स्टैंडिंग हैं आप उनको फिक्स कीजिए। तो ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ लॉन्ग टर्म, अगर आप घर बनाते हैं, घर खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर से, बिल्डर से आप पूछे कि भाई मैं जोन 4 में हूँ, ज़रा बताइए आपने ये इसको नक्शे को अप्रूव कराया है, ये नक्शा जो हमारा बिल्डिंग कोड है जिसके अंदर प्रावधान है इस चीज़ का कि हम उस घर को जोन 4 के हिसाब से या 5 के हिसाब से या 3 के हिसाब से कैसे भूकंप रोधी बना सकते हैं, तो आपने किया है क्या। क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से बिल्डिंग कोड्स का, बिल्डिंग बायलॉज का एनफोर्समेंट तो होगा लेकिन जनता की तरफ से, जन साधारण की तरफ से भी इसकी एक सोशल डिमांड बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, जिस चीज़ की सोशल डिमांड बढ़ती है उसकी सप्लाई भी होगी, उसकी सप्लाई होगी तो बिल्डर्स पूरा इंश्योर करेंगे कि बिल्डिंग कोड्स फॉलो किए जा रहे हैं। जी, तो ये कहना चाहूंगा जी किशोर साहब, एक बार रुक करते हैं प्रोफेसर रवि सिन्हा जी का भी, आईआईटी मुंबई से हैं। प्रोफेसर सिन्हा, जिस तरह से लगातार कमल किशोर जी कह रहे थे कि जन भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लगातार एनडीएमए अपनी तरफ से तमाम उन तैयारियों के साथ मुस्तैद है, मॉक ड्रिल्स करा रहा है, कई तरह के मुआयने कर रहा है, लेकिन जब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात होती है, क्या हाल में 10-15 साल में 20 साल में क्या आपको लगता है, और ख़ासकर जब हम 2001 भुज के भूकंप की बात करते हैं उसके बाद से किस तरह का परिवर्तन आया तमाम नीति निर्माताओं में, सोच में, और ख़ासकर लोगों की सोच में किस तरह का परिवर्तन आया है भूकंप को ध्यान में रखते हुए अपने घरों के निर्माण और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण को लेकर। शुक्रिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ तक इंजीनियर्स का सवाल है, उनका काम है कि बिल्डिंग ऐसी बनाएं जो कि बिल्डिंग कोड्स होती हैं
जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से हों, और स्टैंडर्ड्स को समय समय पर बदला जाता है, उनको इम्प्रूव किया जाता है जैसे नॉलेज चेंज होता है। अभी जो स्टैंडर्ड्स है अर्थक्वेक से रिलेटेड वो 2016 का है, उसके पहले 2002 का था और उसके बाद पहले था, और हर स्टैंडर्ड में जो प्रोविजंस होता है जिसमें होता है कि बिल्डिंग को कितनी मजबूत बनाया जाए उनका मॉडिफिकेशन किया जाता है जो भी लेटेस्ट नॉलेज होती है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे। तो 2002 में जो स्टैंडर्ड्स थे उसके हिसाब से बिल्डिंग को कितनी मजबूत बनानी थी, 2016 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उससे ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देख लिया साइंटिफिकली कि पहले जो प्रोवाइड कर रहे थे उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है। तो आजकल जो बिल्डिंग बन रहे हैं यदि वो कोड्स को फॉलो करें, और किशोर साहब ने बताया कि कोड्स को फॉलो करना के दो पहलू होते हैं, एक तो होते हैं कि बिल्डिंग रेगुलेटर्स जो होते हैं उनका काम है कि बायलॉज इम्प्लीमेंट करना, और दूसरा होता है कि जो लोग हैं जो रहने वाले हैं बिल्डिंग में उनका काम है डिमांड करना कि उनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो बायलॉज के मुताबिक हैं, और यदि बायलॉज के मुताबिक कहेंगे तो मोर ऑर लेस अश्योर्ड रहता है कि जो भूकंप आएगा वहाँ पर जोन के हिसाब से तो उसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज कम से कम होगी लेकिन और या नहीं होगी। लेकिन जो पुराने बिल्डिंग ऑलरेडी बने हुए हैं वो तो पुराने स्टैंडर्ड से बने हुए थे तो वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, इसीलिए साथ साथ ये भी देखना है कि पुराने मकान में जो सबसे क्रिटिकली वीक हैं उनका हम कैसे रेट्रोफिट कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें, ताकि उसमें रहने वाले लोगों की भी लाइफ और प्रॉपर्टी पे मिनिमम डैमेज हो। जी तो प्रोफेसर जी, तो ये दोनों पहलुओं को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। जी प्रोफेसर सिन्हा हमारे साथ गौतम साहब भी, डॉक्टर गौतम जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौतम, हम ये जानना चाहेंगे दिल्ली में जो हाल के झटके आए हैं उसके बाद क्या कदम नए उठाए जा रहे हैं, और ख़ासकर जब हम बात जोन फोर में दिल्ली है, दिल्ली NCR है, तमाम ऐसे इलाके हैं, इसमें भी जो एक तरह से स्टडी की गई है, वर्गीकरण किया गया है, उसमें 9 माइक्रो जोन्स बनाए गए हैं दिल्ली में, उन पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ी रोशनी डालें कि किस तरह की इमारतें हैं, किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है, तो उस पर और बात करेंगे हम प्रोफेसर सिन्हा से। हाँ देखिए, जैसे अभी आपने बताया दिल्ली को 9 माइक्रो जोन्स में डिवाइड किया गया है, तो हमारी वेबसाइट पे ncs.sesma.gov.in पे हमारी एक दिल्ली के ऊपर जो माइक्रो जोनेशन रिपोर्ट है वो भी लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें जैसे एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि इसमें जैसे ईस्ट दिल्ली है, तो ये क्योंकि ये लूज सैंड है, इसमें लूज सैंड में जो इमारतें बनाई गई हैं तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं बनिस्पत और हिस्से के दिल्ली से, तो इस तरह से कुछ कुछ जोन में डिवाइड किया गया है। तो और बाकी जो जहाँ तक ये जो अभी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं छोटे छोटे, इनको मॉनिटर करने के लिए और छोटे भी अर्थक्वेक्स आते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए हम इसको मॉनिटर करने के लिए जी जी गौतम साहब जी गौतम साहब अपनी बात पूरी करें आप। उसको मॉनिटर करने के लिए हमने कुछ ऑब्जर्वेटरियां और लगाई हैं, जिसके जो जैसे अभी मैं बता रहा था रोहतक के आसपास कुछ लगाई हैं, कुछ हमने इकलौनी में, रोहनी में, और इस तरह से अभी 5-6 ऑब्जर्वेटरी लगाई हैं, और भी हमारा विचार है 8-10 ऑब्जर्वेटरी लगाने का, जिससे कि बारीकी रूप से हम छोटे अर्थक्वेक्स को भी स्टडी कर सकें और उस पर कुछ रिपोर्ट बना सकें। जी हमारे साथ प्रोफेसर सिन्हा भी जुड़े हुए हैं, हम एक बार रुक करेंगे कमल किशोर जी का। कमल किशोर जी, जब हम दिल्ली की बात करते हैं, खासकर जो जिन 9 माइक्रोजोन्स की बात की है अभी डॉक्टर गौतम ने, उन 9 माइक्रोजोन्स में किस तरह से हमने तमाम भवनों, बिल्डिंग्स और ख़ासकर रिहायशी इलाकों में आपकी किस तरह की तैयारियाँ रही हैं, खासकर तमाम उन इमारतों को लेकर भी किस तरह से आपने सलाह दी है, और क्या जनभागीदारी सामने दिखाई देती है आपको? देखिए 2016 में अगर मुझे सही याद है तो ये माइक्रो जोनेशन आया है। अब जो हम हमारी जो आगे की कार्यवाही है 2016 से वो ये है कि हम एक तो हो गया कि पूरा दिल्ली जोन 4 में है, लेकिन जोन 4 के अंदर भी जैसा कि गौतम जी ने अभी बताया माइक्रो जोनेशन के हिसाब से अलग अलग जगह पे थोड़ा खतरा अलग अलग है। वहाँ पे जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहाँ पे जो जियोलॉजी है वो अलग किस्म की है। तो जो बड़े भवन जो खास करके बन रहे हैं उन भवनों को उस लोकल कंडीशन को ध्यान में रख करके अपना डिज़ाइन करने की ज़रूरत है।
तो अब जो हमारा 2016 से जो काम चल रहा है वो ये है कि हम कैसे माइक्रोजोनेशन को यूज़फुल बनाएं, और हम जो हमारे बिल्डिंग कोड्स में जोन 4-5 लिखा है उससे भी और ज़्यादा सुदृढ़ मकान बनाएं, एकदम लोकल, एकदम स्थानीय स्तर पे जो माइक्रोजोनेशन के हिसाब से जो उसके अंदर बताया गया है उस हिसाब से हम कैसे डिज़ाइन करें। और यही काम और भी शहरों में हो रहा है, देश के 30 शहरों में माइक्रोजोनेशन का काम जारी है। माइक्रोजोनेशन के होने के बाद जो दूसरी जो प्रक्रिया है वो ये है कि उसको अर्बन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल और यूजेबल बनाया जाए। अब किशोर साहब, हम प्रोफेसर सिन्हा का ज़रा रुख करेंगे। प्रोफेसर सिन्हा, हम देख रहे हैं जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तमाम नए इलाके डेवलप किए जा रहे हैं, नई इमारतें रिहायशी खासकर बन रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा एक तरह से ये तत्व होता है कि कितना भूकंप रोधी वो इमारतें बन रही हैं। किस तरह से इसकी जांच होती है कि ये जो नियम कानून है ये महज कागजों तक सीमित ना हो, ये उन इमारतों में दिखाई भी दे? किस तरह की जांच प्रक्रिया होती है, क्या क्या लगातार जांच की जाती है इस इन तमाम चीज़ों की? हमारे साथ डॉक्टर गौतम भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कमल किशोर जी भी जुड़े हुए हैं। कमल किशोर जी, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें। प्रोफेसर सिन्हा पहले बोले, उसके बाद मैं बोलता हूँ। प्रोफेसर सिन्हा के साथ हमारा संपर्क अभी शायद नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम चाह रहे थे कि अगर इस पे आप कुछ रोशनी डाल सकें। देखिए, एक जो भूकंप रोधी जो हम काम करते हैं उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रिस्क सेंसिटिव लैंड यूज प्लानिंग। तो एक तो हुआ कि हम भवनों का निर्माण ऐसे करें कि वो भूकंप रोधी हों, लेकिन हम जो लैंड यूज़ प्लानिंग करें वो भी हम अपने माइक्रोजोनेशन को ख्याल में रखते हुए करें। जैसे कि कुछ फ्लड प्लेन्स हैं जहाँ पर माइक्रोजोनेशन के हिसाब से ये बताया गया है कि वहाँ पर अगर एक बड़ा भूकंप आएगा तो एक फिनोमिना है, उसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन। मतलब उसको अगर सरल भाषा में कहें तो वहाँ पे ज़मीन दलदली हो जाएगी। तो जाहिर है कि वहाँ पर हम कुछ खास तरह के मकान नहीं बना सकते हैं, भवन नहीं बना सकते हैं। तो उस जगह पे हम कोशिश करें कि जैसे हमारी जो क्रिटिकल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हुए, स्कूल्स हुए, जो कि जिसमें हमारा जो रिस्क टॉलरेंस है, देखिए अगर एक भूकंप आता है और उसमें एक मकान को क्षति होती है और उससे आप बाहर निकल जाते हैं, लाइफ सेविंग हो गई, तो वो आपके लिए काफ़ी है। लेकिन आपकी रिस्क टॉलरेंस एक अस्पताल में और भी कम है, आप चाहते हैं वहाँ बिल्कुल क्षति ना हो और उसमें भूकंप रुके और उसके बाद तुरंत काम वापस प्रोफेसर सिन्हा, हम ये जानना चाह रहे थे कि लगातार जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, जो आजकल अर्बनाइजेशन हो रहा है, नई रिहायशी इलाकों में बिल्डिंग्स जो बड़ी बन रही हैं, कागज़ों में है, नियम कानून है, बहुत ज़्यादा भूकंप रोधी इमारतों में तमाम उस टेक्नोलॉजी के तहत काम किया जाए, क्या किस तरह की जाँच होती है, क्या उस पर अमल होता है, इस पर भी कहीं कोई मैकेनिज्म है जो लगातार काम कर रहा हो, और क्या दंड दिया जाता है उन्हें जो नहीं इसका पालन कर रहे हैं? एक्चुअली दिल्ली में बहुत ही वेल डेवलप्ड बिल्डिंग डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन हैं, बायलॉज हैं। तो दिल्ली एनसीआर रीजन में दिल्ली में सबसे अच्छा ये इसका प्रावधान किया हुआ है। एनसीआर के बाकी रीजन्स में भी रीजनेबली अच्छे प्रावधान हैं। तो इसलिए दिल्ली में जहाँ तक कि बायलॉज का सवाल है वो काफ़ी प्रॉपरली फ्रेम्ड हैं। प्रॉब्लम आ जाती है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इसलिए भी चूँकि ये जो प्रावधान हैं उनको इंजीनियर्स द्वारा इंप्लीमेंट करने के लिए इंजीनियर्स को काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और कई बार इंजीनियर जिस समय वो पास करके निकले उस समय ये करिकुलम में नहीं था, चूँकि ये सब नॉलेज था भी नहीं। तो वो लोग कितनी अच्छी तरीके से अपने आप को अप टू डेट रखे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है कि उनके जो बनाए हुए डिज़ाइंस वगैरह हैं वो कितने अच्छे होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोफेशनल सोसाइटीज़ भी रेगुलरली इनके नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए प्रोविजन करती रहती हैं, प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि हर तरह के बिल्डिंग इक्वली एट रिस्क नहीं होते।
सर्टेन बिल्डिंग टाइप्स हैं, जैसे कि एक टॉल बिल्डिंग जिससे कि ग्राउंड फ्लोर ओपन है पार्किंग के लिए, ये सब बिल्डिंग अर्थक्वेक के हिसाब से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और उसका मतलब होता है कि अर्थक्वेक के डिज़ाइन में इनमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरे तरह के बिल्डिंग में कम ध्यान देने से भी काम चल जाता है। तो यदि कई बिल्डिंग डिज़ाइन किए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, तो उसमें कौन सी बिल्डिंग कितनी सेंसिटिव है उसके हिसाब से उतनी अच्छी क्वालिटी की इंजीनियरिंग चाहिए वहाँ पे, और यदि वैसे अच्छे इंजीनियर लगाए जाएंगे तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर बिल्डिंग इक्वली एट रिस्क नहीं है, और हर लोग इक्वली कम्पिटेंट नहीं है इंजीनियर होकर भी डिज़ाइन करने को, तो दोनों की अच्छी मैच चाहिए। डॉक्टर सैन, एक तरफ तो हम उन बड़ी इमारतों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लोगों में भी ये जागरूकता देखी गई है, माफ़ करिएगा प्रोफेसर सिन्हा, आपसे जानना चाह रहे थे, क्या ये जागरूकता देखी गई है लोगों में कि जब अपने घरों को बना रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए कि अगर भूकंप आता है तो किस तरह से उन्हें अपने घर का निर्माण करना है, उसमें वो क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है, क्या इस पर अब लोग काम करना शुरू कर चुके हैं? प्रोफेसर सिन्हा, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो? हाँ, आप मुझसे पूछ रहे थे, मुझे साहब से नहीं, तो एक्चुअली जहाँ तक कि लोगों का सवाल है, तो लोगों का भी तो नॉलेज होना चाहिए, वहाँ पे एक डिमांड होनी चाहिए लोगों की कि हमें क्या चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लोगों को, जैसे कि कमल किशोर साहब ने बताया कि डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, उनकी अपनी कुछ प्लान होनी चाहिए, वो तो भूकंप आ गया उसके बाद, लेकिन जिस घर में रहते हैं उसमें क्या पूछें और कैसे अश्योर करें अपने आप को कि उनकी उनकी बिल्डिंग भूकंप अवरोधी है या नहीं, ये भी रिक्वायरमेंट है साथ साथ उनको करने की। जी गौतम, डॉक्टर गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौतम, आपसे जानना चाहेंगे कि रेट्रोफिटिंग को लेकर खासकर अगर दिल्ली की बात करें और उन माइक्रोजोन्स की बात करें तो उसमें कितनी प्रगति हुई है पिछले 10 सालों में? देखिए, इसका हम लोगों को आइडिया नहीं होता है, ये तो हम तो मॉनिटर करते हैं अर्थक्वेक्स को, और अर्थक्वेक्स बताते हैं कहाँ आया, कितना बड़ा, कब आया, सब इनका हम मॉनिटरिंग ऑफ अर्थक्वेक्स। तो आपके लिहाज से दिल्ली के वो कौन से हिस्से हैं या कितना प्रतिशत रेट्रोफिटिंग की जरूरत भी है दिल्ली में? देखिए, और लिक्विफैक्शन को भी आप किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा खतरा? हाँ, जो मैंने बताया लिक्विफैक्शन का सबसे बड़ा खतरा इस दिल्ली में है, तो उसमें जो भी बिल्डिंग्स पुरानी बनी हुई है या कमजोर बिल्डिंग है उनको रेट्रोफिटिंग की जरूरत हो सकती है, तो ये तो एक जांच का मामला है। जी किशोर साहब, ऐसे में क्या ये दिखता है कि जो आज पूरी बातचीत रही है उसमें सबसे ज्यादा एक तरह से जिम्मेदारी जहां प्रशासनिक है कि वो तमाम नियम कानूनों का पालन करते हुए ये ध्यान दे कि क्या इमारतें उन तमाम नियमों का पालन कर रही हैं कि नहीं, इस पर एक कानूनी कार्रवाई भी की जाए और सख्ती भी बरती जाए, साथ ही साथ जन भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी लगती है आज की तारीख में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने थोड़े समय पहले रेट्रोफिटिंग का सवाल उठाया था, तो मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जी बताएं। अगर आप चाहें तो देखिए, रेट्रोफिटिंग के ऊपर दिल्ली में पिछले करीब 10-15 साल पहले से काम हो रहा है, और कुछ बिल्डिंग्स हैं जैसे दिल्ली पुलिस का पहले वाला हेडक्वार्टर्स, फिर लुडलो कासल स्कूल, जिसमें ये एक्सपेरिमेंटल तौर पर कि हम कैसे एक बिल्डिंग को जो बनी हुई है उसकी मजबूती को आंकें और उसको कैसे रेट्रोफिट करें, लेकिन इस काम को और तेज़ी से और जगह बढ़ाने की ज़रूरत है, खास करके जो हमारी क्रिटिकल फैसिलिटीज़ हैं। एनडीएमई की तरफ से एक प्रोजेक्ट अभी शुरू हो रहा है जिसमें जो मेसनरी बिल्डिंग्स हैं, जो क्रिटिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो मेसनरी बिल्डिंग है, मतलब जो ईंट और सीमेंट की बनी हुई हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है, पुरानी हैं और क्रिटिकल हैं, उसको हम रेट्रोफिट करा रहे हैं, और साथ साथ उस रेट्रोफिटिंग के माध्यम से हम ट्रेनिंग करेंगे लोगों की, जो कि इस काम को और आगे बढ़ा सकें। लेकिन देखिए, ऐसा है कि और डिजास्टर्स के मुकाबले हमारा जो अर्थक्वेक से लॉस होने का जो रिस्क है वो आज एक या दो दिन में, पिछले 10 दिनों में या पिछले 10 सालों में नहीं, वो पिछले 30-40 सालों में जिस तरह के भवन बने हैं उसकी वजह से बढ़ा है। लेकिन अब हम ये निर्णय लें, ये प्रण लें कि जो भी नया हम मकान बनाएंगे, नया भवन बनाएंगे, वो कोड के हिसाब से बनाएंगे, भूकंप रोधी बनाएंगे, तो 10 साल में 20 साल में यही बात हम एकदम पलट जाएगी बाजी,
और वहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे 80% भवन अब भूकंपरोधी हैं, और अगर भूकंप आएगा तो हम आराम से उस बस धरती हिलती हुई देखेंगे और कॉन्फिडेंटली घर के अंदर रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी है कि जनता की तरफ से एक सोशल डिमांड आए। हाँ। हम बिल्कुल एक तरफ प्रशासन काम करे और दूसरी तरफ जनता की तरफ से इसकी डिमांड आए और हम खुद जिम्मेदारी लें इसकी। जी, जिस बात को आप कह रहे हैं कि प्रशासन अपने तरफ से जो मुस्तैदी करनी है वो तो करेगा, लेकिन जन भागीदारी यानी कि भूकंप के खतरों को लेकर, और खासकर जो हाल में झटके आए हैं हल्के, उससे पैनिक ना हो, सावधानी बरतें, वही एक सबसे बड़ा उपाय है। बिल्डिंग कोड हैं, आप अपने जिस जोन में हैं, जिस इलाके में हैं, वहाँ पर इस बात की आवाज़ उठाएं कि आप लोगों की जो इमारतें बनी हुई हैं क्या वो उन तमाम बिल्डिंग कोड्स को ध्यान में रख के बनी हैं, और अगर नहीं बनी है तो उसकी तरफ काम करने की हम सभी को ज़रूरत है, उस आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में किसी तरह का कोई ऐसा बड़ा खतरा आता है तो उसके नुकसान को कम से कम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया चारों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस आपदा पर विस्तार से बात करने के लिए। हम एक बार फिर अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि ये आपदा प्रबंधन NDMA के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, और हर हफ्ते हम आपको भारत में किस तरह से आपदा से निपटा जाए, उससे सामना किस तरह से किया जा रहा है, क्या तैयारी है, इस पर एक विशेष कार्यक्रम आपके सामने लेके आएंगे। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।